अज़ब्लिमिनीम बसमीम फ़लाजाबल्क़ूम वन तुम्हें तंजरून सद्लम सूरतवा की आयत नंबर तिरासी में अब जो एक फ़र्द की जो अनफ़रादी क़्यामत या मौत है उसका नक्शा है फ़ला एज़ा बागतम तो फिर क्यों नहीं जब पहुँच जाती है जान हलक तक यानी जो है किसी भी अजीज़ के ऊपर जो है आलम नज़ा तारी है वह अन तुम हिना जिनपन जरून और तुम उस वक्त उसको देख रहे होते हो यानी वो जाने वाली जान जा रही है तुम उसको रोक नहीं सकते व वन वक़्रबिन को बलाकिल्ला तुब सरून और हम ज़्यादा करीब होते हैं उस उस मरने वाले से तुम्हारी नस्बत लेकिन तुम देख नहीं रहे होते हो यानी उसको ले जाने वाला कौन है उस इस दुनिया से रुखसती जो है वो तो अल्लाह सुबहाना तौला की आ, के टाइम टेबल के मुताबिक हो रही है वो तो वो नाहनुआ करो भही इनकुम हम ज़्यादा करीब होते हैं इससे तुम्हारी नस्बत लेकिन बला बलाकिला तुम सिरून लेकिन तुम देखते नहीं हो फलौला इनकन तुम गई रमदीन मद, बस क्यों नहीं कि अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो या जजात नहीं दिए जाओगे दिए जाने वाले तर्जुना है इनकन तुम सदन तो जाने वाली जान को वापस क्यों नहीं ले आते अगर तुम सच्चे हो तुम्हारे हाथों में तुम्हारा अजीज जो है रुखसत हो रहा होता है तो उस वक्त जो है अगर तुम ऐसा है कि तुम्हारा जो है कोई तुम्हारी तुम्हें ना जजा देनी है ना तुम किसी के जो है महकूम हो बल्कि तुम सेल्फ सफिशेंट हो खुद मुख्तार हो तो फिर जो है उसको वापस क्यों नहीं ले आते अगर तुम सच्चे हो फा इंकाना मिनलमकर अब वो जो जाने वाले का अंजाम है बस अगर तो वो है मुकर्रबीन में से वो मरने वाला असाबून अलवल सबकत अख्तियार करने वाला कुर्बानी की मिसालें कायम करने वाला दूसरों से आगे बढ़ने वाला था फरा व जन्नत नाईम तो उसके लिए तो राहत है आराम है बाफरागत और खुशबुओं वाली रोजी है और नेमत का व जन्नत नाईम और नमत का बाघ है यानी जो भी है उसके लिए जितने ही भी हमने इससे पहले तस्करा पढ़ा शरा रहमान में और शरा वाक्य में ऐसे साबिकन वालों का ये सब उसकी समरी है मामा इनकाना मिनिल जमीन और अगर वो है दाहने हाथ वालों में से लक फसलाम। यानी फसलामल मिन मिनिल जमीन तो आ, सलामती है उस पर तो उसको कहा जाएगा कि फरिश्ते उसे कहेंगे तुझ पर सलामती हो बिनिल जमीन दाहने हाथ वालों में से ममकान और अगर वो तीसरी कैटेगरी है अगर वो है अमली तौर पर झुटलाने वालों और गुमराहों में से वो जो असाब शिमाल हमने इससे पहले पढ़े फनुजुल मिन हमीम तो उसकी तो इब्तदाई मेहमान नवाज़ी खोलता हुआ पानी व तो जहीम और झोंक दिया जाना दोजख में नहाजा लक यन बेशक यही है काबिल यनी यकीन हक।, हक बात फ बिस्म रबी अजीम बस तस्वीर की दी अपने रब के नाम की जो बड़ा अजमत वाला है सुबह नब्बी अलीम सुबह रबी अल अजीम सुबह न रबी अल सूरत बसमनिम काफ से लेकर सूर्य वाक्य तक सात मक्की सूरतें पढ़ने के बाद अब मदनी सूरतों का आगाज हो रहा है और इस शुरह हदीत से लेकर शराह तहरीम तक दस मदनी सूरतें हैं जो कि कुरान मजीद में यह वाद मकाम है जहाँ एक साथ दस मदनी सूरतें गुलदस्ती की शक्ल में आई हैं कुरान करीम और इन में कुरान करीम की तलीमत का खुलासा है दस सूरतों में पूरे कुरान का ख़ुलासा इंतहाई अख्तसार और जामियत के साथ दे दिया है और इन दस सूरतों में खिताब का असल रुख भी अहिल ईमान के साथ है ये सूरतें तकरीबन सन पाँच छः हिजरी में नाजिल हुई और ये वो वक्त था जब मुसलमानों के साथ मुनाफकिन भी शामिल हो गए थे लिहाजा इन सूरतों में एक नाट और झंझोड़ने का साज भी है इन दस में से पाँच ऐसी सूरतें हैं जो अल्लाह ताली की तस्वीर से शुरू होती हैं सब्बाह सब हो। इसलिए उनको मुसबहत कहा जाता है और इन में से भी सूरत को उमुलमसभत यानी जो है तस्वीर से शुरू होने वालियों में भी सब की जो है जो जड़ और बुनियाद और माँ जो है वो शराह हदीद बड़ी जामियत की हामिल है और इसमें गोया के यूँ समझ लीजिए कि जितना कुरान मजीद अभी तक हमने जो मतलब किया है उसकी तलीमत का एक बहुत ही जाम खुलासा इस अकेली सूरत में भी आ जाता है और फिर इन दस सूरतों में वह सारा वो वो पूरी उसकी वजाहत मज़ीद आ जाती है इन शरमाया बस्मिल सब बाहिला समावत वालर्त अल्लाह की तस्बी करती है जो मखलूक़ात भी आसमान में ज़मीन में यानी पुकार पुकार कर कह रही है कि कायन की हर चीज़ के, के मेरा बनाने वाला हर आयब से हर नक्स से हर कमज़ोरी से हर ख़ता से हर बुराई से पाक है उसकी ज़ात पाक उसकी सिफात पाक उसके अफ़ाल पाक उसके अहकाम पाक उसका कलाम पाक सब्बाह माफिस समावत वलर्थ वह वाल आज़ीज़ुल हकीम और वो इज्ज़त गलबे वाला वही मस्ज़त और आज कमाल हिकमत वाला है लहू मुल्क उस समावत वर्द और उसी के लिए है बादशाही इख्तियारदार आसमानों का और जमीन का यही व उम्मीद वही जिंदगी अता फरमाता है वही जिंदा रखता है और वही मोत्तारी फरमाता है वह अला कुल शदीर और वह हर चीज पर कुदर रखने वाला है यानी अल्लाह सुबहाना ताली की जो सिफ़ात के हवाले से इससे ज़्यादा हम जो है उसका तस्वर नहीं कि वालाकुलशीन कदीर हर चीज़ पर क़ादर है उल अव्वल उवल आखिर ज़ाहिर ओल बातिन वही वही आखिर वही ज़ाहिर वही बान वह उबिकल्लिशीन अलीम और वह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है ये मुश्किलत कुरान में से है लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के कर्बान जाएं कि आप वसल्लम ने अपनी एक दुआ के जरिए से इसके मफहूम को समझना हमारे लिए आसान फरमा दिया आप वसल्लम फरमाया करते थे तो अंतल तल अब्वलोई सब्ल का शय अल्लाह तू ही सबसे पहला तो पहले कुछ भी नहीं व अन आखिर लई सबाद का शय और अल्लाह तू ही सब आखिर तेरे बाद कुछ नहीं व हो और लईसा फोक का शयन अगर अल्लाह तू ही सबसे ज़ाहिर सबसे नुमाया तुझसे ऊपर कोई चीज़ नहीं वान तल बानों और तू ही जो है पोशीदा लई सा दून का शयून के तेरे सिवा कोई चीज़ भी जो है और इससे तुझसे ज़्यादा पोशीदा नहीं है वह कुल अलीम और वह हर चीज़ का जानने वाला है देखिए ये जो दो सिफात आई हैं इससे पहले आया वह वलाकुल्लिन कदीर वह हर चीज़ की कुदर रखने वाला है और यहां फरमाया वह विकल्ल शीन आलिम वो हर चीज का जानने वाला है जो भी इन दो सिफात पर यकीन रखता है उसे दोबारा जिंदा होने के बारे में कोई शक नहीं हो सकता कि अगर वो उस रब को मानता है जो आला कुल्ल शन कदीर है जो रब पहली मरतबा पैदा कर सकता है उसको दोबारा पैदा करने के लिए उसके लिए क्या मुश्किल है उसकी कुदरत से बईद है और जो इस बात पर यकीन रखता है कि वह वेकुल्ल शन आलिम है वह हर चीज कालम रखने वाला है तो फिर दोबारा मुहासबा जजा और सजा वो अपने कामिल की बुनियाद पर तो शक किस तरह से जो है इंसान इसके बारे में कर सकता है अर्द और वही अल्लाह जिसने पैदा फरमाया आसमान और जमीन को छः अधार मेंीरियड ये मजमून इससे पहले बार बार आ चुका है हमारे सामने में। ये मेरे और आपके दिन नहीं है अल्लाह के दिन है और यह आयात मतशाब में से है इसको इतना समझना कि उसने छः अदवार में जो है पैदा फरमायाल अर्श और फिर वो मुतमक्न हुआ अरशे हुकूमत पर बनाने के बाद ला ताल्लुक नहीं हो गया बल्कि चलाता भी वही है इसको वही सारा इसका इंतज़ाम कर रहा है और किस दर्जे इंतजाम कर रहा है जो फिल अर्थ वो जानता है जो चीज़ भी ज़मीन में दाखिल होती है मसलन बारिश के कतरात खजाने मुर्दे जो भी ज़मीन में जाता है वो सब कुछ जानता है वमा यख रजू और जो चीज़ भी इसमें से निकलती है नबातात मादनियात पानी ख़जाने जो चीज़ भी निकलती है सब उसके इल में है वमा यमजु में न समा और जो कुछ वो नाजिल फरमा जो चीज़ उतरती है आसमान से जो कुछ नाजिल होता है मसल फरिश्ते और जनाब वही और बिजली वगैरह और बारिश ये सब कुछ जो है उसको पता है वमा या जो फी हा और जो चीज़ भी उसके ऊपर ऊपर चढ़ती है आसमान में चाहे वो इंसानों की दुआएं हैं चाहे वो फरिश्ते हैं आमाल हैं ये सब कुछ जो है इसको भी जो अल्लाह जानता है वह माकुम तुम और वो तो तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं भी हो वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर और जो अमल तुम करते हो अल्लाह उसे खुद देखता है अब ये ये वाली बात वह माकुम अनामा कुं तुम वो तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं भी हो कितनी बड़ी तकवियत का बायस है एक हकीकी ईमान वाले के लिए उस जिसके साथ अल्लाह हो फिर उसके किसी और चीज की क्या परवाह हो सकती है और इसी तरीके से अगर कोई खुदा न खासा इसके बरक्स अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है तो उसे भी यह पता चल होना चाहिए कि अल्लाह के इल्म से और वह वो वल्ला बे माता मरू बसी जो अमल तुम कर रहे हो अल्लाह खुद देख रहा है जो अल्लाह के लिए कर रहा है उसको कोई डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है अल्लाह देख रहा है वो उसको अजर से नवाजेगा और जो अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है इसके अंदर कि अल्लाह खुद देख रहा है तुम्हारी हरकतों को अल्लाह को किसी की रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है लहू मुल को समावात वलर्थ और उसी के लिए हुकूमत इख्तियार इकतदार आसमानों का और जमीन का इसमें जो है ये बात कि जनाब उसका बिलफेल तो है ही है लेकिन होना भी चाहिए बंदों को भी उसी का जो है वो उसी उसी, उसी का हुकूमत जो है इस दुनिया में कायम करनी चाहिए वही यही बंदों का टेस्ट है वही तो उमूर। और सब के सब काम अल्लाह ही की बारगाह में लौटाए जाते हैं ये ईमान ईमान बिल आखिरत नहार वो दाखिल फरमाता है रात को दिन में रात बढ़ती है दिन घटता है वह यूल फिलइल और वो दाखिल फरमाता है दिन को रात में यहाँ पर जो है वो इसके बरक्स मामला है कि रात घटती है और दिन बढ़ता है वह अलीम बज़ात सुदूर और वो तो जानता है सीनों के अंदर छुपे हुए भेदों को भी जिस वो आगे जाकर सूरत तकबुल में पढ़ेंगे यालम उमाफ़िस समाबात अर्द वो जानता है जो कुछ आसमानों में जो कुछ ज़मीन में है वह यालम उमात सर वमातलिन और वह जानता है जो किस को तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर कर जो ऐलानियाँ करते हो अलीम व्हालीम सुदूर Allah तो सीनों के अंदर छिपे हुए भेदों से भी आगा तो यह छह आयात के अंदर सिफात बारी तला के बयान का क्लाइमैक्स है जो इसके अंदर आगे आगे अब जो है ये अभी तक जो है कलाम जो था वो एक थर्ड पर्सन में था अब जो है डायरेक्टली बात हो रही है कलामी अल्लाह का खिताब कर रहा है अहिल ईमान के साथ जो अगर इन छः आयात में जो अल्लाह की सिफात बयान हुई है जो इन पर ईमान रखने वाले हैं उनसे अब रब का तकाजा क्या है आमिनूब रसूल ही दिल की गहराइयों से ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूल सल्हम पर वन फिकुम मुस्तखलफ़ी नफी और लगा दो खपा दो उसमें से जिसमें उसने तुम्हें जान बनाया है खलीफा बनाया है मालक हकी कौन है अल्लाह है उसमें तुम्हें जो है इस, इस इन चीजों का जान नशीन बनाया है फलू मिनकुम बस वो लोग जो ईमान लाए तुम से वन अनफ़कू और जिन्होंने लगा दिया खपा दिया उनके लिए बहुत बड़ा अजर है ये तो गोया कि इसमें अब करने का काम आ गया लेकिन साथ जहां जोड़ा भी जा रहा है कि वह लातो मीनू नबिल्ला तुम्हे क्या हो गया है कि तुम दिल की गहरा हो ईमान नहीं रखते हो अल्लाह पर वर रसूल हो या दरुकुम हालांकि रसूल तुम्हें दावत दे रहे हैं ले तू मिनू बे तुम ईमान लाओ अपने रब पर वक़द अगर तुम हकीकी ईमान वाले हो यह मीसाक अल्लाह रसूल की इताद का शौरी अहद जो हर साहिब ईमान कलमा पढ़कर करता है और इसके अलावा ये मिसाक आलम अरवाह में इससे पहले जो है अल्लाह के साथ बांध कर आएंगे

रोशनी की रहीम और बेश्ला है।, रही है तो ईमान मिलेगा कहा ना भाई जिन्स नहीं ईमान जिसे ले आए दुकाने फलसा से ढूंढने से मिलेगी आकिल को यह कुरान के सिपारों में अल्लाह जो आपने बंदे मोहम्मद पर जो आयात बी कुरान की नाजल फरमा रहा है कुरान है मम्बर सर चशमा ईमान का और इसलिए नाजु फरमाता हैबान और नूर, नूर मुसल वा फरमाने वाला है आज ही हमने सूर रहमान पढ़ी और रहमानल कुरान उसकी रहमत का मजरे आता मैं उसने तुम्हें कुरान सिखाया और इसलिए ताकि तुम्हें तारीखियों से नूरे ईमान की तरफ लाए व मालकुम अल्लाह तुम फूफी सभी और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में लगाते और कपाते नहीं हो वल मीरा हालांकि अल्लाह ही के लिए है विरासत आसमानों और जमीन की यानी तुम सब खत्म हो जाओगे तो फिर भी जो है वारस कौन है अल्लाह ही है ला मन मिन और बराबर नहीं है तुम में से जिसने खर्च किया फ़तह से पहले और किताल किया यानी जो असाबून अलवलून जिन्होंने मकलूबीत के दौर में जो है अल्लाह की राह में जान भी लगाया और माल भी लगाई लगाया उलाय का आज़म उदाराफकूम बाम यही लोग हैं जो बढ़कर हैं दर्जे में उन लोगों से जिन्होंने खर्च किया और किताल किया इसके बाद यानी जो जो है जब दीन गालिब आने के बाद वक़्ल वद्लाहसन और हर एक से अल्लाह का अच्छा वादा है वह बिमाबीर और अल्लाह जो अमल तुम करते हो उससे खूब ताल करने वालों के अहवाल जरूर से जिन्होंने जिस कैफियत में सबसे अल्लाह वाकिफ है वह मर्द जो अल्लाह को कर्ज दे अच्छा कर्ज देना कर्ज हसन जाती गर्ज रिया शोहरत नामवरी और एहसान मंदी के जज्बे से पाक अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जो माल जा, जान और माल लगाया जाए अल्लाह से अपने जिम्मे कर्ज हसन करा देता है तो और उसके नतीजे में फ़ाइफ लहू तो अल्लाह उसको उसके लिए दुगना कर दे बलहू अजर उन करीम और उसके लिए बहुत ही उम्दा बात अजर भी अल्लाह यौम रखें मोमिनात जिस दिन के आप देखेंगे मोमिन मर्दों को और मोमिना ख़वातीन को यस आ नूर यह आप क्यामत के दिन का नक्शा है उनका नूर दौड़ रहा होगा उनके आगे आगे भी उनकी भी उनके सामने यानी इंसान का जो है ये जो है है नूर नूर का जो है, वो इंसान का दिल है तो नूर की शुआए उसमें से फूट रही होंगी और दाना हाथ जो है वो आमाल साल का कासिब है दाहनी जानब से भी नूर की जो है वो श्वाई फूट रही होंगी और यह नूर जो है ये हर एक का जो है नूरे ईमान किसी का नबी ने फरमाया कि मदीना से लेकर सना तक होगा और किसी का सिर्फ अपने क़दमों में होगा और उस वक्त जो है कहा जाएगा बुशराकुमुल मोमा आज के दिन तुम्हें खुशखबरी है जन्नात उन बागात की तजरी जिनके नीचे नदियाँ जारी होंगी खालदी फीहा हमेशा रहेंगे उनमें जालिकाहफुल अज़ीम और यही है असल कामयाबी बड़ी भारी कामयाबी असल का जिसके लिए फल अमल करने वालों को अमल करना चाहिए जिसके लिए जो है इंसानों को अपनी जिंदगी लगानी और खपानी चाहिए तो ये उस दिन का मामला अल्लाह सुबहाना तला जो दुनिया में अल्लाह के लिए जो है वो लगा देंगे अपना जान और माल अल्लाह उन्हें इस, तरी, इस तरीके से जो है उस दिन नवाजेगा यह तो है जो, आ, जो एक तस्वीर तो करो इसके बरक्स जिन्होंने ईमान और अमल के तकाजे पूरे नहीं किए इन फा के जानों माल से चीच और मुनाफिकून योमुनाफिक मुनाफिकात जिस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें लिल्लज़ीन आमनू अहले ईमान से उन हमारा इंतजार करो नकतबिसमिन नूर कुम हम भी जो है रोशनी ले लें ले तुम्हारे नूर से यह असल में मामला ऐसा है कि जब अल्लाह सुबहाना तआला अपने फजल से ये जो है जो अहले ईमान हैं ये तो कामयाब होकर निकल आचल पड़ेंगे जन्नत की तरफ और मुनाफिक पीछे चले आ रहे होंगे और उनके दरमियान जो है अल्लाह एक जो है वो आड़ एक दीवार खड़ी कर देगा उस जन्नत और ये जो है मुनाफिकों के दरमियान तो उस वक्त जो है वो कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें अहले ईमान से उन हमारा इंतज़ार करो या हमारी तरफ नज़र करो नक्द अब इस कि हम भी रोशनी ले लें तुम्हारे नूर से इसलिए कि जो मुनाफिक और जो मुशरक और काफिर हैं ये उस नूर से महरूम होंगे और ये तो बल्कि जहन्नम के गढ़े में गिरते चले जाएंगे तो उस वक्त जो है वो पुकार कर कहेंगे कि हमारा इंतज़ार करो हमारी तरफ देखो कि हम भी तुम्हारी नूर से कुछ इकतबास कोई चिंगारी हम भी सुलकाें तो कहा जाएगा कि अपने पीछे की जानब लौट जाओ यानी दुनिया में चले जाओ फलता में सुनूरा नूरा और फिर वहां नूर तलाश करो ये नूर कमाने की जगह आखरत नहीं है दुनिया थी फजू बबई न बसूर लहू बाब और फिर कड़ी कर दी जाए उनके दरमियान एक दीवार जिसमें एक दरवाज़ा होगा बात नहमा उसके अंदर की जानब तो होगी रहमत यानी अल्ला सुबहाना की रहमत का मज़र जन्नत वज़ाहिरू मिनकबल अज़ाब और उसके बाहर की तरफ अजाब होगा युनादू नम नकुम माकुम अब वो दीवार के जो है पीछे से उनको आवाज़ देंगे क्या हम तुम्हारे साथ ना थे क्या भाई दुनिया में तो हमारा नाम भी तुम्हारे साथ था जीना मरना खाना पीना सब कुछ तुम्हारे साथ था कलुबला तो वह जन्नती जवाब देंगी क्यों नहीं वलाकिन नकुम फतन तुम फ लेकिन तुमने खुद अपने आप को फितने में डाला यानी आप जो नफाक के जो मराहल हैं निफाक की दल्ल में कैसे पहुंचे वो बताया जा रहा है वलाकिन नकुम फतन तुम फकूम लेकिन तुमने खुद अपने आप को आजमाइश में डाला और इन नमाम बालकों व औलादों फित माल और औलाद की मोहब्बत में पढ़कर आजमायश का शिकार हो गए व तरबस तुम और फिर तुम तरबस का शिकार हो गए कि चलूँ कि ना चलूँ ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र वाला मामला तुम्हारा बना हुआ था वर तब तुम और तुम शक शक करते रहे यानी जब इंसान तो गुमगु का शिकार होता है तो ज्यादा इमकान ये होता है कि वो हक के हक वाज होने के बाद ज्यादा सोच विचार में पढ़ना जो है वो इंसान को फिर शकू को शुभात में ले जाता है तो अगली स्टेज शक में पड़ गए वर तुम मगर रत को अमानी और तुम्हें धोखा दिया झूठी आर्जून खुशकुन तमन्नाओं ने कहा जी अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है अल्लाह बड़ा जो है वो नुक़ नवाज़ है और शफात बातला का तस्वुर और शैत तो ये सारी चीज़ें उन्होंने तुम्हें धोखा दिया हता जामर यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ पहुँचा वगर रकम बिल्ला और तुम्हें धोखा दिया अल्लाह के बारे में उस सबसे बड़े धोखेबाद शैतान ने कि अल्लाह की जो है वो अल्लाह तो बड़ा गफ़ूर रहीम है और वो तो बड़ा जो है माफ़ करने पाया तो छोटी सी बात में माफ़ कर देता है तो इसलिए जो है किए जाओ हराम खोरियाँ और हरामकारियाँ तो ये जो है उस धोखे बाद शैतान ने जो है तुम्हें धोखा दिया तो ये पांच स्टेजेस जो हैं नफाक न, निफाक की दलदल में आसमी कैसे गुजरता है सबसे पहले माल और की मोहब्बत हद से ज़्यादा फिर तरबुस गोम गो की कैफियत फिर व शुबात का शिकार हो जाना अल्लाह कुरान और आखरत के बारे में और फिर झूठी उम्मीदों शफात बातला और जो उम्मत मरहूमा में से होना का तसवर और फिर उसके बाद जो है शैतान की तरफ से धोखा ये पांच स्टेज से गुजर कर इंसान जो है निफाक के कैंसर में मुबला होता है तो फरमाया फलयाउुमकुम फिदिया तुम आज के दिन तुमसे नहीं को लिया जाएगा कोई तावान को फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा वला मिनजीना काफर और ना ही उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया था माबाकुमन्नार तुम सब का ठिकाना जहन्नुम है दुनिया में जो है मुनाफिक अहल ईमान के साथ आखरत में कुफार के साथ और ठिकाना जहन्नुम है अमौला यही तुम्हारे लिए मुनासिब है तुम्हारी खबरगिरी के लिए व भी इसल मसवीर और कैसा बुरा ठिकाना है अलम वमा नज़ला मिनल हक क्या अभी भी वक्त नहीं आया उन लोगों के लिए जो ईमान लाए कि गिर गिराए पिघले उनके दिल अल्लाह के जिक्र यानी कुरान की तरफ वमा नज़ला मिनल हक और उसके लिए जो उतरा है हक उसके सामने उसके आगे झुकें यानी निफाक से की दल्दल से निकलने का तरीका है सलूक क़ुरानी छह आयत में अब उनका जो है जिक्र आ रहा है तो सबसे पहले वला यकूनु यकुन कल्लिन किताब अमिन कबल उन लोगों की तरह ना हो जाए जिन्हें दी गई थी किताब इससे पहले फपाला मलामद तो उन पर लंबी मुद्दत गुजर गई फकासत कुलूब हूँ और फिर उनके दिल सख्त हो गए व कसिर उमिन फास और उनमें से बहुत सारे लोग नाफरमान हैं तो आज जो है ये मामला जो उन उन्होंने उनकी किताबों में जो तहरीफ हो गई थी तब वो हुआ तुम्हें तो अल्लाह तो ने सही सालम किताब दी तो उन उन लोगों की तरह ना हो जाना जिनको किताब देने के बाद एक मुद्दत गुजर गई दिल सख्त हो गए और वो नाफरमान हो गए इसलिए कि उन्होंने किताब के साथ अमली जो है वो ताल्लुक़ कायम नहीं किया था तो अगर ये कैफियत हो भी जाए दिल सख्त हो गए हो तो तब भी जो है मायूस होने की ज़रूरत नहीं एलमू खूब अच्छी तरह से जान लो <गया> अल्लाह <योही लार्द> <मुटिहा> ही जिंदा करता है जमीन को उसके मरने के पीछे जब दिल की जमीन अगर मुर्दा हो गई हो तो अल्लाह उसको भी जिंदा कर देता है <गया> और हमने खोल कर बयान कर दी है तुम्हारे लिए आयात लाख ला ताकि तुम समझ सको यानी उसके लिए तुम अल्लाह की आयात बैनात पर गौर वफिक करोगे और साथ इनमसद्दीनमसद बेशक खैरा करने वाले सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें सदका वो माल जो सिद्ध के दिल के साथ अल्लाह के बंदों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खर्च किया जाए उसे सदका कहते है। हमारे हैं हमारे यहाँ सदका का तस्वर यह है कि जनाब को छोटा सा काला बकरा पकड़ कर उसको बा कर दिया जाए तो ये कोई जो है दिन में इसकी कोई अहमियत नहीं है असल चीज यह है कि बंदे की जो जरूरत है किसी जरूरतमंद की उसको अल्लाह की रजा के लिए सच्चे दिल से उसको पूरा करना यह जो है उसकी मदद करना ये तो करने वाले। जी नहीं। जी माल की मोहब्बत दिल से निकलेगी तो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के कलम की मोहब्बत आएगी इसलिए फरमायासदीन अमल मुसदात बेशक सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें वर्दन हासना और जिन्होंने अल्लाह को कर्ज दिया अच्छा कर्ज देना वो अभी इससे पहले जिक्र आ चुका है तो ये दोनों ही तरह जो अल्लाह के दिन के मगलूबियत के दौर में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए और अल्लाह के दिन के मशोर एशात के लिए जो माल कर खर्च किया जाए उसे अपने ज़िम्मे कर्ज़ हासन करा देता है तो दोनों ही मदों में जिन्होंने अपना माल लगाया खुपायाफुलहम तो उनके लिए उनका अजर जो है दुगना कर दिया जाएगा वहु आजर करीम और उनके लिए बहुत ही उमदा बाइज़त अजर होगा तो ये फ़ाक नफाक का इलाज है इफ़ाक़ यानी माल की मोहब्बत दिल से निकालने के लिए उसे अल्लाह के रास्ते में लगाया जाएगा तो उससे जो है दिल की ज़मीन नरम होगी वल्लाजीन आमनबिल्ला व रसूल ही और वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर उसके रसूल पर अल्ला वाला कहुम सिद्दीकून अब शहदाद रब वही हैं जो सच्चे हैं और गवाही देने वाले हैं अपने रब के हम अब गोया के जो है ईमान जो है वाकई आदमी हमेशा सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ वो सिद्दीक लिख दिया जाता है जब सिद्ध के दिल के साथ अल्लाह की राह में माल भी लगाएंगे खपाए में तो अल्लाह ताला जो है उनको अमल की तौफीक भी अता फरमाएगा और वही जो है उन्हीं में से मुकाम सद्दीकीत को और मकाम शहादत को पाने वाले जो हैं वो ईमान हकीक़ के साथ अमल जो है ख़ुद ब खुद जो है अब उसको उन उन, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा लहु व नूरहुम तो ऐसे ही लोगों के लिए उन मिलेंगे उनके अजर भी और उनके नूर भी वल्लीना कफ़रु व है ना इसके बरस वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया हमारी आयात को वायक जहीम तो यही वो लोग हैं जो दोस्खी हैं हयात दुनिया और ख़ूब अच्छी तरह से जान लो अब दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत और उसके पाँच मराहल का जिक्र आ रहा है ख़ूब अच्छी तरह से जान लो कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो है लाइबों व लाबुन महज खेल और तमाशा है वीनतबो जबाइश और ज़ीनत है व तफ़ाख न और एक दूसरे पर फख करना है तुम्हारा आपस में व तमवालबल औद और एक दूसरे से माल और औलाद की ज्यादती में आगे निकलने की कोशिश है ये तौर पर जो दुनिया प्रस्त लोग हैं वह इन पांच अदवार में जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं ये इंसानी लाइफ साइकिल को अल्लाबान तौर ने इन पांचाना के तहत हमारे लिए यहाँ वाजे कर दिया सबसे पहले लाइब ये एक बच बिल्कुल बचपने में जबकि इंसान की जो है जो उम्र जो है जो कह लीजिए कि जब वो होश संभालता है थोड़ा बहुत अपने जिसम को संभालने के काबर उससे पाँच छः साल तक की उम्र जिसमें इंसान की ज़िंदगी का वाद मशगला खेल तमाशा और कहते हैं बड़ी बादशाही वाली ज़िंदगी कि इसमें जो है इंसान को सेवा कोई और फिक्र है ही नहीं है तो इससे आगे बढ़ फिर जब ज़रा वो उसका बचपना शुरू होता है जिसमें लह जो है जिसको जो उनवान दिया गया है ये सात साल से लेकर और बारह तेरह साल तक तीन तीन एज से पहुँचने तक पहले तक कि जिसके अंदर अब खेल के साथ जो है एक जो है लज्जत का भी अंसर और तकरीब कारी भी और इसमें जो है ये बड़ी ख़तरनाक स्टेज होती है बच्चों की जिसमें वो उनकी तरफ से नए नए खिलौनों को तोड़ना फोड़ना कहीं बिजली का प्लग है तो उसमें जो हाथ दे जो है वो कुछ कोशिश देखने की करना ये वो स्टेज है लाह वाली कि जिसमें खेल के साथ अब तकरीब और लज्जत का पहलू भी आ गया और फिर तीसरी स्टेज बताई जीनातन ये टीन एज से लेकर और इंसान जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो कदम नहीं रखता है उसकी सबसे बड़ी दिलचस्पी जेबो जैबाइश और जीनत आते जाते आईना देखना मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ फैशन के मुताबिक जो है ड्रेसिंग और जनाब बालों के स्टाइल और और चीज़ों में आजकल के हवाले से देखिए तो सेल्फियाँ कदम कदम पर लेना ये जो है ये आपको इस एज में जो है ख़ास तौर पे जो है बहुत ज़्यादा नुमाया नजर आएगा कि अपनी जेब वजबाइश और जीनत जो है इसके ऊपर इंसान जो है उसका फोकस और फिर वतफ़ा ख़ुर जब अमली जिंदगी में कदम रखता है पच्चीस छब्बीस साल की उम्र से लेकर चालीस साल तक ये फ़ख्रम में आगे में निकल जाना मेरी गाड़ी सबसे बड़ी अच्छी हो नए मॉडल की हो घर बड़ा जो है, जो है वो डिज़ाइनर का बनाया हुआ हो और जनाब बाकी सारे कामों के अंदर भी यानी इसकी एक ख़ास ये होती है कि आदमी कहता है कि पैसा कितना भी जाता चला जाए लेकिन मूच नीची नहीं होनी चाहिए ये तफाखर जो है फ़्रम में आगे निकल जाना और फिर आखिरी स्टेज व फिल फिल्बा वल औलाद जब चालीस से भी क्रॉस करने के बाद फिर जो है वो कब्र तक जो है इंसान माल और औलाद की कसरत जो है जिसके लिए जो आगे जाकर अलहाक मुतकासुर हत्ता हतर तमकबिर वो वाली कैफियत जो है इसके अंदर इंसान चला जाता है तो अगर जिसे आखरत का यकीन नहीं है तो वो आम तौर पर इन पांच स्टेजेस में अपनी ज़िंदगी को गुजार कर चला जाता है इसी को अल्लाह सुबह तैाली ने आगे फ़रमाया कमाफल गईसिन आज बल कुफार नबात हूँ जैसे हालत बारिश की कि खुश कर दिया किसानों को उसकी जो उससे आने वाली जो सब्जी होती है उसने सुम यही जो वह फसल जो तैयार होती है और फिर वो जो है पक जाती है फ़तरा हो और फिर तू देखता है कि वो पीली पड़ जाती है सुम याकून वतामा और फिर वो हो जाती है चूरा चूरा तो यहाँ तक तो इंसानी ज़िंदगी और जो है वो फ नबाताती लाइफ साइकिल में एक मुसाबत है इंसान का बच्चा भी जो है वो जब, 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 जब जैसे जैसे बड़ा होता है वालदेन को जो है वो उसको देख कर खुशी होती है फिर वह अपनी भरपूर जवानी को पहुँचता है और फिर उसके अंदर आज़ा उसके ढलना शुरू हो जाते हैं चेहरे पर जर्दी आ जाती है और फिर बिलाकर जो है उसके ठिकाना भी कब्र लेकिन इन खेती तो चूरा चूरा होकर मिट्टी में मिलकर मिट्टी ख़त्म हो गई इंसान का अलमियत तो उसके बाद शुरू होता है कि व फिल आखिरत अजाब उन शदीद उन मट्टी में मिलकर मट्टी नहीं हो गया बल्कि आखिरत में या तो बड़ा सख्त अजाब है वह मकफरत मरजवान या मकफरत है अल्लाह की तरफ से और उसकी खुशनूदी व मल हयात दुनिया मतलूर और अगर ये जिंदगी जो है इंसान ने वो जो पांच स्टेजे अल्लाह ने ऊपर बताई है उन्हीं में गुजार दी तो ये सिवाए धोखे के सामान के और कुछ नहीं है हजतली का एक बड़ा प्यारा कॉल है वो ये फरमाया करते थे कि इंसान जब तू इस दुनिया में आता है तो तू रो रहा होता है और तेरे घर वाले खुशी के शादियाँ मचा रहे होते हैं तुझे चाहिए कि ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाए कि जब तू इस दुनिया से जा रहा होगा तेरे घर वाले रो रहे होंगे तो तू मुस्कराता हुआ ये से जा सके तो ये है मामला कि इंसान को इस ये ज़िंदगी जो है अल्लाह ने इसलिए दी है कि वो आगे असल जो कामयाबी है उसकी तरफ बढ़े जैसे कि जो आगे आ भी रही है सबकों रबिकु तो दौड़ो सबकत इख्तियार करो आगे निकलो कम्पीट करो अपने रब की मकफ़रत के हसूल के लिए वह जन्नत और उस जन्नत के हसूल के लिए अर्जो का अर्ज इस समाई वाल जिसकी वसअत आसमानों और ज़मीन की तरह है ये नहीं कहा जितनी है, है। आसमान और ज़मीन की वसतें ख़त्म हो जाएंगी जन्नत की वसतें ख़त्म नहीं होंगी वजीन आमन रसूल ही तैयार की गई उन लोगों के लिए जो ईमान लाए अल्लाह पर उसके रसूल और रसूल सल व्म पर रसूलों पर जाली का फजल होती है मै शाह यह अल्लाह का फजल जो देता है जिसे चाहे वह रजुल फजल नजीम और अल्लाह बड़े फ़जल वाला है अगर होश आ जाए तो अब तक अगर सिर्फ दुनिया में ही खोया रहा है तो ताखीर मजीद ना हो इसी लमहे को अमर कर ले फफर्रू अल्लाह अल्लाह की तरफ दौड़ो दीनी फ़राइज को समझो खुद अल्लाह के बंदे बनो दूसरों को अल्लाह की बंदगी की दावत देने वाले बनो और अल्लाह की बंदगी वाला निज़ाम कायम करने के लिए कोशिश मेहनत और जद्दोजहद ये है जो कि असल जो है कामयाबी जिसके नतीजे में अल्लाह राजी होकर जिसे जन्नत से नवाज दे तो वो है जो कामयाब हुआ इसके बगैर तो ममल हयात दुनिया ला मतरू शॉर्ट ऑफ दिस ये दुनिया की ज़िंदगी सवाए धोखे के सामान के कुछ नहीं है आगे जो है अल्लाह के दीन के लिए जब कोशिश मेहनत करें तो उसमें जो तकलीफ़ जो परेशानी आए उसकी क्या हकीकत है माँ शोब में मुसीबत अर्द वालाफी अनफ सकूम नहीं पहुँचती कोई मुसीबत ज़मीन में और ना ख़बात तुम्हारी जानों में अल्लाफी किताब में कबल अन ना मगर ये कि वो अल्लाह के जो इल्म की किताब है उसमें इससे पहले तहरीर है मिन कबल अन्ना पर इससे पहले कि हम उसको जाहिर करें यानी अल्लाह सुबहाना ताली के सारी प्लान का ये हिस्सा है इन नजारिक्ला यसीर और ये अल्लाह पर बहुत आसान है और अल्लाह सुबहाना ताली ये आजमाइशों से जो गुजारता है तो उसमें मकसद क्या है लेकैलासौला माफा तक ताकि तुम गम ना किया करो बहुत ज़्यादा मायूस ना हो जाया करो उस चीज़ पर जो तुमसे जाती रहे जो तुमसे फौत हो जाए खाबो अजीज़ फोत हो जाए को मौका जाता रहे किसी चीज़ का नुकसान हो जाए उस पर बहुत ज़्यादा गमजर ना हो जाया करो वरा तफ़्रह बिमा आता और ना ही उस पर बहुत फ़ख्र किया करो इतराया करो जो कुछ अल्लाह तुम्हें अता फरमा दे इसलिए कि ये दोनों ही कैफियतें इम्तिहान की हैं वह ला हब्बलिन फ़खोर और अल्लाह हरगिज़ पसंद नहीं करता हर इतराने वाले शेखी कौरे फख्र फ़ख्र करने वाले को अजीन अब ख़लून अमरून बिलबल जो खुद भी बुखल करते हैं और लोगों को भी जो है बखल कार कंजूसी का हुक्म देते हैं व मै तोल्ला और जो कोई भी मुंह मोड़ लेगा फ़ाइनल्लाहमीद तो बेशक अल्लाह तगनी है और हम दोना के लायक हैं लक़द अरसलना रसोलाना बिल्बनात और बेशक हम भेज चुके अपने रसूलों को वाज दलीलें देकर अब ये जो है जो है आय नंबर पच्चीस ये कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा इनकलाबी आयत है जिसमें रसूलों का मकसद क्या बताया गया हमने भेजा रसूलों को वाज दलीलें देकर वानजल ना माहिताबलमीज़ान हमने नाजल फ़रमाई उनके साथ किताब और मीज़ान यानी मीज़ान अदल लेनासुबिलक़स्त ताकि लोग अदलोकस्त पर क़ायम हों वजल नल और हमने लोहा भी नाजल फ़रमाया फ़ीहे वासदीद जिसमें जो है सख्त जो है जंग का लड़ाई की सलाहियत है व मुनाफ़ल और लोगों के लिए कुछ और फ़ायदे भी हैं अल्लाह ने यह नोहा क्यों उतारा वलियाू विल गैब ताकि अल्लाह जान ले कि कौन है जो मदद करता है उसकी और उसके रसूलों की बिन देखे इन अल्लाह कबी नाजीज़ बेशक अल्लाह तड़ा कवि कवि कुत वाला और इज्ज़त ग़लबे वाला है तो इसमें जो है बताया गया कि रसूलों का मिशन दावत व तबलीग भी है और उनका मिशन जो है लोगों को जो है उनकी तालीम और तरबियत भी है और लेकिन उससे आगे बढ़कर अल्लाह के दीन का गलबा जो कि हम इससे पहले पढ़ाए सूर्य फतेह के अंदर भी और सूर्य तौबा के अंदर भी कि अल्लाह ने तो भेजा अपने रसूलों के इसलिए लिजुज रहूद दीन कुल ताकि तमाम निज़ामों पर इसको गलब करें और फ वक़ातलूहम हत्ता ला तकून फितना किताल जारी रखो ताकि फितना बाकी ना रहे व यकून दीन लिल्लाह लिल्लाह और दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए फसाद और जरायम का खात्मा और फिर इससे आगे बढ़कर यहां पर बताया कि यकुमा नास बिलक ताकि लोग अदलोबिसक पर कायम हों और इसके लिए अल्लाह ने लोहा भी नाजिल फरमाया जिसके अंदर बड़ी सख्त जंग की सलाहियत है तो ये पता चला कि ये कुरान मजीद ये एक निज़ाम जिंदगी लेकर आया है और जो अपने मानने वालों से तकाजा करता है कि इसके निजाम को अमली तौर पर अपने मुल्क और माषरे में कायम करो और इसकी लाहुई मीजान को नस्ब करें इसकी दी हुई शरीयत के मुताबिक अपने फैसले करें यह वो मुशतर मकसद है जो कि सारे रसूलों का रहा है और कुरान इस मानी में जो कुरान की फरियाद में कहा गया कि ये मेरी अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के यूं मुझे रसुआ करते हैं ऐसे भी सताया जाता हूं तो इस जो है वह की तकमील और निज़ाम की तनफीज के लिए तीन चीज़ों का जिक्र हुआ बैनात किताब और मीज़ान लगा दारलना रसोलाना बिल्बय इवान जल्हाबीजान यानी हजूर सल्म से पहले रसूलों के इस मिशन के लिए बैनात मोजात किताब और मीजान के साथ भेजा जाता रहा जबकि हजूर सल्लम के मिशन के लिए सिर्फ दो चीज़ें अलहुदा और दिन हक होबल अरसल रसूल बिलुदा व दी हक जो सूर्य तबा की आयत नंबर तैतीस और सूर्य फ़तह की आयत नंबर अट्ठाईस में और सूर्य की आयत नंबर नौ में इसका जिक्र है इसका मतलब यह है कि अलैहि वसल्लम के लिए बयानात मुआज और किताब एक हो गए यानी अल्हुदा ये कुरान मजीद आपको कि, आपकी किताब भी है इसी में कानून भी है यही आपका सबसे बड़ा मज़ा भी है और जबकि आप की रिसालत में मीज़ान शरीत मुकमल होकर दीन अलक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है तो अब इस लिहाज से अल्लाह यह जानना चाहता है कि चूंकि मुराद याफ्ता तबका तो कभी भी नहीं चाहते कि जो है जुल्म का खात्मा हो और अदल किस पर मबली निज़ाम जो है वो गालिब आए इसलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए यह भी बताया गया कि अनजल हदीद हमने लोहा भी नाजल फरमाया है जिसमें जंग की बड़ी सलाहियत है तो डंके की चोट ये कहा गया है ये उरिया तरीन इंकलाबी इबारत है और इनकलाब अपना रास्ता बनाएगा जब ालमान निज़ाम को जड़ से फेंकने का मरहला आएगा तो खून भी जरूर बहेगा कुछ सर भी कुचलने पड़ेंगे और ये इनकलाब का नागुजीर मरहला है इसके बगैर इनकलाब तकमील को नहीं पहुंचता है ये तो अल्लाह ताली के निजाम अदल के लिए इनकलाब की बात हो रही है जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है यहाँ तो हम आए आए दिन देखते हैं दुनिया में खुद इंसानी अदल जो है कि अपने तसवुर की तरवीज़ तनवीज़ के लिए भी ताकत का इस्तेमाल करना नागजर हो जाता है तो इस लिहाज से अल्लाह सुमहान ते लोहा इसलिए नाजुल फ़रमाया ताकि अल्लाह ये देखे जाँचे कि कौन वल वलआलमल मैसू व रसुलईब ताकि अल्लाह जानने के कौन मदद करता है उसकी और उसके रसूलों के गैब में रहते हुए यकीन अल्लाह बड़ी कुत वाला ज़बरदस्त है तो जानने का मफह यह है कि अल्लाह ज़ाहिर कर दे कि कौन है जो गैब के बावजूद अल्लाह और उसके रसूलों की मदद करता है गोया हक को बातिल की जंग के दौरान जो मर्दान हक लोहे की ताकत को हाथ में लेकर अल्लाह के दीन के गलबे के लिए मैदान में आएंगे वही अल्लाह और उसके रसूल के मददगार होंगे दरअसल अल्लाह के दीन को गालिब करना बुनदी तौर पर फ़र्ज हजूर सल्लाम का और आपके जरिए से आपकी उम्मतियों की यही जिम्मेदारी यह है जो अल्लाह ने यहाँ बताया कि रसूलों की सबकी आमद का मकसद और ये तकमील को पहुंचा मोहम्मद सल्लाम के साथ वाल अरसलना नू हम वन और बेजा हम बेशक हमने बेजा नूसब्राहिम को जालनाफ़ी जरूरीत नबूत अवल किताब और हमने रखी उन दोनों की औलाद में नबूत और किताब फ़मीद महत तो बाज उनमें से हिदायत के रास्ते पर रहे व कसिर उम्मिन फास खून और उनमें से बहुत सारे नाफरमान थे सुम्मा कफ़ैना अला आसारा और फिर भेजे हमने उन्हीं के कदमों पर उन्हीं के तरीकों पर अपने कई रसूल व कफ़ैन बे कफ़ै ना मरियम और हमने भेजा ईसा इब मरियम को व इंजील और हमने उनको दी इंजील व जालना फ़ी खलू बिल्लिन तबाह रातम और हमने रख दी उन लोगों के दिलों में जिन्होंने उनकी पैरवी की थी नरमी और मेहरबानी व रहमानियत और रहमानियत की बिदत जो उन्होंने खुद ईजाद कर ली माँ कतब नाहाम हमने तो उन पर फर्ज नहीं की थी गरिजवान सिवाय इसके अल्लाह की रजा का हसूल यानी हमने उन पर रहमानियत फर्ज नहीं की उन्होंने खुद ईजाद कर ली हमने तो उन पर अल्लाह की रजा का हसूल लाजम किया था हक आतिहा तो फिर वो ना निभा सके उसको जैसा कि निभाना चाहिए था और ये रिकत कलबी का जो मामला है कि तरक दुनिया की गुमराही उन्होंने ईजाद कर ली और इसके नतीजे में जो है अल्लाह से माना तला फरमा रहे हैं कि हमने तो रहमानियत नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के हुक्म का हसूल दिया था उन्होंने अल्लाह की रज़ा के हसूल के लिए गैर फितरी तरीका ईजाद कर लिया और उनका निकी का जज्बा हद्द एतदाल से बढ़ गया लेकिन फिर वो उसकी रियायत ना कर सके जैसा कि उसकी रियायत का तकाजा था और फ़ितरी तकाज़ों और दायात नफ्स को कुचलने की कोशिश नाकाम हुई नतज बदतरीन दुनियादारी और हवस परस्ती और किस... के अल्लाह और, और बंदे के दरमियान वास्ते और वसीले का ढोंग और तजरद की जिंदगी शहमत रानी और दरंदगी के इंतहा कि उनके राहब खाने जो है नाजायज बच्चों के कब्रस्तान बने तो हमने दिया उनमें से जो ईमान लाए उनको उनका अजर व कसर उमिन फास लेकिन उनकी अक्सरियत जो है वह फासिक और नाफरमानी रही तो ये जो है शैतान का हरबा हरबा है कि गलबा दीन की जुद से रोकना शैतान अव्वल तो राय हक से रोकने की कोशिश और अगर राय हक पर आ जाए तो एक दीन की मंजिल से दूर रखकर सिर्फ तजकिया नफ्स के खान का ही तस्वर पर लगा देना ये उसकी जो है वह हथकंडा है तो अल्लाह ने फरमाया कि इससे जो है हमने वो वो साबका कौम जो गुमराह आई तुम उससे बचना या यूह अमन ऐ ऐमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और यह तकवा का तकाजा क्या है वह आमिनूब रसूल ही ईमान लाओ उसके रसूल सल्लाम पर यानी जो जैसा कि ईमान लाने का हक है आप सल्ला वसलम के उसवा हसना को अपने हिरज ज बनाओ और ये मुसलमानों से ईमान हकीकत का तकाजा यह है कि नेकी के लिए जज़्ब रहमानियत के बरक्स उसवा हसना महमदर रसूल सल्हम का मुतवाजन हसना उससे फ़ायदा उठाओ जिसके लिए हयात तैयब के अनफरादी और अजतमाई दोनों गोशों पर नज़र रखना और सुन्नत के तमाम अज्जा में वही नस्बत और रखना जो रसूल सल्ल के मामूलत का हिस्सा थे इसको बनाओगे तो यो कुम के फलईन में रहमत ही अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत में से दुगना हिस्सा आता फरमाएगा इनफरादी सतह पर नेक अमल करने का अजर सवाब भी देगा और दावत और तबलीग की सुन्नत पर अमल करने का अजर भी मिलेगा और इस एतबार से अल्लाह की तरफ से तुम्हें दो किना ये अल्लाह तुम नूरअन तम शूना बही और अल्लाह बना देगा तुम्हारे लिए वो नूर जिसके साथ तुम चल सकोगे दुनिया में सिरात मुस्किन पर चलने के लिए बातनी बसीरत जिंदगी के हर मामले में सुन्नत मतहर से मुतवाजन रहनुमाई और इनकलाबी जन्नत के लिए भी रहनमाई सुनत से मिलेगी और आखिरत में सरा पुलसरात से गुजरने के लिए जो नूर दरकार है जो कि अभी आयत नंबर बारह में हमने पढ़ा अल्लाह वो भी जो है वाता फरमाएगा अपनी राहमत में से दुझ 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 आ, ऐसा नूर देगा कि भी अभी यकफिर लकुम और अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा देगा वह गफुररीम अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला और मुसल रहम फरमाने वाला है लिया ताकि जान ले अह किताब अल्लाह अला कि नहीं हासिल करते वो कुछ भी अल्लाह के फज़ल में से वनफ़ल अब्यादिल्ला और यह कि फ़जल तो अल्लाह के हाथ में है यूती है मै शाह वह अता फ़रमाता है जिसे चाहता है वल्लफ़लम और अल्लाह बड़े फ़जल वाला है अल्लास का फजल कलम आपसे आपके फ़जल अज़ीम का सवाल करते हैं हम सब को अरमा आमीन व आखर दावाना अनिलहमदिल्लाबी